हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की अभी जो स्ट्रगल है वो चल रही है, खाना बनाना है मुझे और बहुत कुछ मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। आज कुछ अलग सा नहीं बना रही थी इसलिए सुबह से शूट नहीं किया, लेकिन आज पता है बहुत अलग अलग टाइप की कुजीन बना डाले हैं मैंने। यहाँ पे मैंने गोभी के पराठे की तैयारी कर रखी है, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल करके। दूसरी तरफ इडली का बैटर घर में रखा हुआ था, अगर उसको यूज़ नहीं करते तो फिर एक दो दिन में उसमें स्मेल आ जाती, तो मैंने सोचा चलो फ्राइड इडली के लिए इडली स्टीम करके रख देते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा पनीर रखा हुआ था और जो मैंने पिछले वीडियो में घी बनाया था ना उसके पीछे से जो पानी निकलता है उससे मैंने ये पनीर बनाया था, तो ये भी मुझे आज ही यूज़ करना था। तो इसमें थोड़ा सा प्याज और गाजर डाल करके मैंने फ्राई कर लिया है मोमोज़ के लिए। यहाँ पे बनाई है मैंने मोमोज़ की चटनी। तो मोमोज़, इडलीज़, गोभी के पराठे, बहुत कुछ आज अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू है। इडली मैंने शाम के लिए बनाई है, सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ शाम को चाहिए रहता है ना, तो उसको फ्राई करके दे दूँगी मैं इडली फ्राई बना के। और मोमोज़ हम गिल्ट फ्री होके खाते हैं क्योंकि मैं गेहूं के आटे से बनाती हूँ, मैदा यूज़ नहीं करती हूँ और अंदर पनीर या फिर सोया की फिलिंग होती है। चलिए एक टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, गोभी के पराठे बनाने में अगर उसका पानी निकलता है, बेलने में तकलीफ़ होती है ना, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर आटा लगभग एक चम्मच ऐसे मिक्स कर लें, ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोक कर लेता है और गोभी के पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। दूसरी टिप ये है कि बनाने से ठीक पहले ही आप इसके अंदर नमक ऐड करें, उससे पहले ऐड करके ना छोड़ें। और सिद्धार्थ तो बहुत खुश हो गया क्योंकि ये सरप्राइज़ प्लान किया था मैंने, छुपा छुपा के बना रही थी और जब एकदम से लेके गई ना तो उसको मज़ा ही आ गया। फिर घर के सारे काम साफ़ सफाई निपटाने के बाद मैंने नहाया और भगवान जी को दिया बाती की। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपने सुबह से मेरा थोड़ा थोड़ा क्लिप्स देखा ही होगा। आज ना काफ़ी कुछ मैंने बनाया था, सुबह दिखाया ही मैंने आपको, इधर कई सारे कुजीन एक साथ मिला के बना दिए, मोमोज़ बना दिए, इडली बना दी, मोमोज़ की चटनी बनाई थी, गोभी के पराठे बनाए थे। घर के मेरे सारे कामकाज निपट गए हैं, नहा धो के पूजा अर्चना भी हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है जब घर का सारा काम निपट जाता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है और वो जब नहाने के बाद आप तुरंत निकलो ना तो वो जो एक दो घंटे होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा अच्छा सा होता है। मैं से बोल रही हूँ गोभी का पराठा खा लो, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं ना, पर इसको इडली खानी है क्योंकि मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा। तो अपने आप बना लो, लेकिन मुझे खाने का बनना है, बनाने का नहीं। मोमोज की चटनी के साथ ना मैंने ये इडली खा के देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। वीर्डो कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया और मुझे काफी कुछ बनाना है क्योंकि सुबह भी मैंने ना गोभी का पराठा खा लिया। तो एक्चुअली जैसे वीट का या राइस का कोई भी आप चीज़ खाओ ना तो बहुत जल्दी वो मतलब उतना फुल नहीं रखते हैं आपको वो देर तक, बहुत जल्दी जल्दी फिर आपको भूख लगती है। तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई है ना इस टाइम, एक अच्छा खासा बड़ा सा पराठा मैंने खाया था, तीन मोमोज भी खाए थे मैंने, उसके बाद भी मुझे इतनी भूख लगी हुई है। और इससे कम क्वान्टिटी में मैं जब कुछ हेल्दी खाती हूँ, लाइक कोई सैलेड है या कुछ भी, या फिर ज्वार की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, ऐसा कुछ जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं ना तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, आराम से 2-2:30 बजे तक आपको फिर भूख लगेगी। फ्राइड इडली बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा नमक इसमें है, थोड़ा सा मैं और ऊपर से डाल रही हूँ नमक। फिर हम डालेंगे इसमें शुगर, यहाँ पे है इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए, थोड़ी सी शुगर जाएगी इसमें। सोचोगे खट्टा कैसे बनेगा, मीठा तो डाल दिया, नमकीन भी डाल दिया, खट्टा बनता है अमचूर से, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर। ऐसे मैरिनेट करके ना आप इडली रख दो, रात में भी रख सकते हो और सुबह फिर बच्चों को टिफिन में बना के दे दो, फटाक से कढ़ाई में डाला, फ्राई किया और दे दिया, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ये। पहले मैंने सोचा था सुबह मैरिनेट करके रख दूंगी, फिर मुझे लगा नहीं था ये खाएगा, लेकिन अभी इसका मन कर रहा है खाने का, मुझे लगा था ये पराठा खाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी रेड चिली और इसको हम टॉस कर लेंगे अच्छे से।
इसमें पोड़ी पाउडर भी मैं डालूंगी जो मैंने घर पे बनाया था, वो रखा हुआ है अभी, तो वो भी मैं डालूंगी। कढ़ाई में ना आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और इसके अंदर हम सरसों का तड़का लगाने वाले हैं। थोड़ा सरसों, करी पत्ता और हरी मिर्च जाएगी। तो सबसे पहले सरसों को अच्छे से तड़का लीजिएगा, फिर करी पत्ता डाल दीजिए और फिर हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्च मत लीजिएगा, सेटली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी हल्की तीखी जो रहे वही। और फिर हम ऐड कर देंगे ये इडली जो हमने मैरिनेट करके रखी है, और साथ में इसके नीचे ना शुगर वगैरह भी काफ़ी चला जाता है, वो सब आप इसमें डाल दो। और इसको 20-30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करना है आपको, फोल्ड कर करके। हल्का सा भुन भी जाएगा इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करना है। छिड़क के भी डाल सकते हैं या कढ़ाई के साइड में भी डाल सकते हैं, और उसको ढक करके 2 मिनट तक स्टीम करना है। पानी हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि वैसे भी जब आप पहले से इडली बना के रखो ना तो वो थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, और जब आप उसको दोबारा से कढ़ाई में डालोगे तो और ज़्यादा मॉइस्चर उनका ख़त्म होगा, बहुत सख्त हो जाएंगी। तो वो मॉइस्ट रहें और हल्की फुल्की सी रहें, खाने में ना एकदम मतलब गले पे ना लगें, इसलिए आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए ताकि जो इडली की सॉफ्टनेस है वो बनी रहे। 2 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाती हैं, खट्टी मीठी चटपटी नमकीन, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर चाय के साथ में। और सिद्धार्थ मुझे बोल रहा था वियर्ड, आपने वियर्ड चीज़ ट्राई किया, मोमो की चटनी के साथ इडली खाया, तो मैंने उसको भी परोस के दिया और उसने इतनी चटनी दोबारा मांग के खाई है, उसको इतना ये कॉम्बिनेशन पसंद आया। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। और ये मोमोज़ की चटनी मैं घर पे बनाती हूँ, मैंने काफ़ी पहले शेयर किया हुआ है और कई बार शेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, चाहिए रहेगा, तो फिर एक बार बोल दीजिएगा, बहुत इजी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सिद्धार्थ को मैंने लंच सर्व कर दिया है, ये अपना इसका भी सुबह का काम होता है, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन वगैरह मॉर्निंग में ही होता है, तो वो सब करने के बाद इस समय ये भी ब्रेक लेता है, तो अपना आराम से बैठ के अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहा है, लंच कर रहा है। मैं अब जा रही हूँ अपने लिए लंच बनाने के लिए, वो भी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी हेल्दी है, तो हेल्दी भी और टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, एक्चुअल में ये सभी को पसंद आएगी। यहाँ पे आपको अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स लेनी है, जो भी आपको खाने में पसंद आती हैं। मैंने प्याज लिया है, कैरेट लिया है, हरा धनिया लिया है, कैप्सिकम भी मुझे अच्छा लगता है, बट वो मैंने आज नहीं डाला, वो भी डाल सकते हो आप, पत्ता गोभी डाल सकते हो, चुकंदर ऐड कर सकते हो, जो भी पसंद हो वो डालिए। प्याज और हरा धनिया ज़रूर रखिएगा इसमें, और इसको चॉप कर लीजिए महीन करके। ये दाल मैंने मॉर्निंग में सोक किया था, ये धुली हुई बिना छिलके वाली मूंग की दाल है, बहुत लाइट होती है हमारे स्टमक के लिए, और इससे आप कुछ भी बनाएं ना बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। इसको मैंने थोड़ा नमक डाल करके पीस लिया है, जैसा हम बेसन का चीला बनाते हैं वैसी जो कंसिस्टेंसी होती है वैसी ही हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा वाटरी इसको नहीं करना है। और ये दाल को हम ये वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा नमक वमक कम लगेगा तो वो भी डाल दीजिए, और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जितनी क्वांटिटी में आप, अगर वेट लॉस पे ना, तो जितनी क्वांटिटी में आप दाल ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वेजेस ऐड करनी है इसमें। ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी वेजेस, काफ़ी सारी वेजेस आप डालो इसके अंदर। उसके बाद थोड़ा सा घी लगा के पैन के ऊपर इसको आप फैला दीजिए, इसको आप पतला भी बना सकते हो। इसमें अगर आप थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ये एकदम पतला वाला जो चीला होता है वो बनके तैयार होगा, डोसा स्टाइल में वो भी आप बना सकते हो। और नॉनस्टिक में तो आप कितना भी पतला कितना भी वाटरी बैटर बना के डालो, बहुत अच्छे से कुक होके निकलता है। तो मेनली इसीलिए ये तवा मैंने ख़रीदा था कि मेरे ये जो कम तेल के साथ एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। कई बार जो हमारे लोहे के और ट्रेडिशनल तवे होते हैं उसमें चिपकने लगता है, कई बार तो उसमें भी बहुत अच्छा बनता है बट कई बार चिपक जाता है, तो आपका मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इन्हीं में बना लेती हूँ, क्या करूँ। उसके बाद जब ये पक जाएगा ना, कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे पकने में, दाल है तो थोड़ा सा बेसन से ज़्यादा समय लेगी पकने में। उसके बाद इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा सा मैंने पनीर डाला है प्रोटीन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से ऐड कर दिया है, और इसको दोनों साइड से मैं 1-1 मिनट के लिए सेक लूँगी, और ये हमारा चीला बनके तैयार है। और मेरी थाली आप देखोगे ना बहुत अच्छी लग रही है आज, इसमें ये चीला तो है ही, मोमोज़ की चटनी है, हरी चटनी है आम वाली कच्चे आम की, थोड़ा सैलेड है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना दही
पकौड़ी वो भी हैं उसके अंदर। और अभी हम मिल रहे हैं सीधा शाम को। गुड इवनिंग। एक्चुअली वो चीला खाया मैंने और सिद्धार्थ ने लंच किया, वो तो अपना पढ़ाई लिखाई में लग गया और मैं लेटी और मैं सो गई, मतलब 2 घंटे सो गई मैंने। यहाँ आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, शायद नीचे वाले फ्लैट में या ऊपर वाली फ्लैट में चल रहा है, तो इतना ज़्यादा आवाज़ आता है ना, हर समय कुछ ना कुछ खटपट होता रहता है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैं सो गई और खूब अच्छे से सोई हूँ। वो इसलिए सो गई मैं आज और इतनी लेट इसलिए सो पाई हूँ क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, रात को सोते समय जैसे ही हम लोग बेड पे गए ना, मेरे पेट में ऐसे गुड़गुड़ सा दर्द स्टार्ट हो गया, फिर उस दर्द की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही। नींद बहुत तेज आ रही थी क्योंकि थकी हुई थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। फिर मैंने अजवाइन का पानी और ये सब रात में आके पिया, उसके 1 घंटे बाद जाके नींद आई। तो मैं बहुत लेट सोई और डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है जब आप टाइम पे नहीं सोना, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से बहुत अच्छे से मैं सोई हूँ अभी और काफ़ी देर तक भी सो गई। और जैसे उठी हूँ फिर मन कर रहा है चाय पीने का। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा भी था लास्ट वीडियो में कि आप बहुत बड़ी टी लवर हो मेरे हस्बैंड की तरह, तो सही में कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही झुकाव रखते हैं चाय की तरफ। पहले मैं इतना ज़्यादा चाय को नहीं मतलब इन्जॉय करती थी, मतलब पसंद थी मुझे लेकिन ऐसे नहीं था कि नेसेसरी थी। अब जैसे जैसे मैं देखती जा रही हूँ नेसेसरी बनती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। पता है मैंने ग्रीन टी ना मंगवा के रखी हुई है, मैं हर रोज अपने आप को पुश करती हूँ कि सरिता इसकी जगह तुम ग्रीन टी पियो। महायुद्ध चलता है मेरे अंदर और हमेशा ये चाय जीत जाती है। अभी भी मैं पिछले 10-15 मिनट से सोच रही हूँ कि चाय बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं यार ग्रीन टी पी लेती हूँ, पर वो स्वाद ही नहीं लगती और आके किचन में आते मूड बदल जाता है, मैं ये चाय चढ़ा देती हूँ। क्या कर सकते, अब चाय चाहिए तो चाहिए। सिद्धार्थ ऑलरेडी खेलने के लिए निकल चुका है तो फिर मैं अभी आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। थोड़ा सा कुछ लैपटॉप पे हल्का सा काम था 5-10 मिनट का, तो वो भी ख़त्म कर लूँगी इसी बीच में। अभी मैं जा रही हूँ सिद को थोड़ा देख के आती हूँ, बहुत देर हो गई है, नीचे वो खेलने के लिए गया है, एक राउंड लगा के फिर आऊँगी। और सिद्धार्थ को नीचे मैं देखने गई थी, मेरी फ्रेंड को मैंने बुला लिया था वॉक करने के लिए, तो थोड़ी देर हमने वॉक किया, थोड़ी देर क्या बहुत देर हमने वॉक किया। और उसके बाद फिर शाम का समय हो गया, वापस आने के बाद आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था और खा पी के मतलब अच्छे से मूवी वगैरह देखी सैटरडे नाइट क्योंकि था इस दिन। उसके बाद हम सो गए। अभी जब आप मुझे देख रहे हो तो ये संडे के दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है और अभी भी हम क्योंकि रात लेट सोए थे तो लेट ही सो के उठे हैं आज। आज वॉक वगैरह पे कुछ भी जाना नहीं हुआ और भूख बहुत तगड़ी महसूस हो रही थी तो फटाफट मैं ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। ढोकला बना रही हूँ और एकदम परफेक्ट ढोकला बन के आया था ये, तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लिया था, 1 कप पानी के अंदर मैंने 4 चम्मच बड़े चम्मच जो होते हैं मैंने डाला है चीनी। चीनी इसमें बहुत ज़रूरी होती है, चीनी तो जाती है, वैसे तो ये हेल्दी है, तेल कम होता है लेकिन चीनी की वजह से ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो ही जाता है, तो इतना डालना ही पड़ता है अगर आपको परफेक्ट एकदम ढोकला चाहिए तो। और साथ में जो आपने 1 स्पून देखा, 1 स्पून था टाटरी। टाटरी जो होता है ना वो खट्टेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेनली, जो गोलगप्पे वाले पानी बनाते हैं उसमें टाटरी का यूज़ करते हैं, वो लोग जो चटनी बनाते हैं उसमें टाटरी का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इजीली आपको कहीं भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और ये हल्की खटास के लिए आप यूज़ कर सकते हो किसी ऐसी ढोकला वोकला में या फिर चटनी में भी आप इसको डालो तो बहुत एकदम बाहर जैसी चटनी वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो 1 चम्मच मैंने वो डाला है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं उसमें, पानी है, चीनी है और टाटरी है, और तीनों को मैंने विस्किंग के लिए लगा दिया है
और वो इसलिए क्योंकि जो चीनी है ना उसको घुलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है ना तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे विस्क करने की, पाउडर डालो वो अपने आप ही घुल जाएगा। उसके बाद जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब आपको इसमें ऐड करना है 1.5 कप बेसन, और इसको छान लेंगे तो अच्छा रहता है। छानने से क्या होता है, लम्स नहीं पड़ते हैं जब आप मिला रहे होते हो लिक्विड को बेसन के अंदर। ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि आजकल पैकेट वाले बेसन में कुछ ऐसे गंदगी तो होती नहीं है, बट छानने से थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है वो, तो जब आप मिलाओगे ना तो गुठलियाँ पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो छान ही लीजिएगा, क्या ही जाता है छानने में। उसके बाद हम बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ना यहाँ पे सबसे बड़ा काम शुरू होता है वो है इसको फेंटना। तो मेरे पास जैसे स्टैंड मिक्सर है थैंकफुली, तो ये काम इसने कर दिया। अदरवाइज़ आपको कम से कम 8 से 9 मिनट इसको फेंटना होगा हाथ से। अगर आपको इसको अच्छा बनाना है ना तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैंने स्टैंड मिक्सर पे इसको 5 to 6 मिनट के लिए अच्छे से विस्क किया। अगर आपके पास कोई भी ऐसी हेल्प है मशीनरी जिससे आप इसको अच्छे से विस्क कर सकते हो तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हाथ थक जाते हैं इतनी देर तक विस्कर इस्तेमाल करते करते। और उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए बस छोड़ा था। छोड़ते हम इसलिए हैं ताकि जो बेसन के कण हैं वो थोड़ा फूल जाएं। जैसे हम सूजी का उत्पम वगैरह बनाते हैं तो भी हम थोड़ी देर छोड़ते हैं, ऐसे ही इसको छोड़िए। और इसके बाद इसमें नमक, हल्दी और 1.5 टीस्पून आपको ऑयल ऐड करना है। नमक, हल्दी और 1.5 टीस्पून ऑयल आप ऐड कर दो। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दो, बस तीनों तीनों चीज़ें जो आपने डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। फिर लास्ट में इसको फुलाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो या तो आप इनो डाल सकते हो या तो आप सोडा डाल सकते हो। इनो डालने से कई बार मैंने बनाया है, बट इनो से कई बार उसकी अजीब सी एक स्मेल आती है, तो मैंने सोडा डाला है। और आपको यहाँ पे 1/2 टीस्पून सोडा ऐड करना है। तो आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, चाहे आप इनो ऐड कर रहे हो चाहे आप सोडा ऐड कर रहे हो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये एकदम फ्लफ़ी होने लगता है, फूलने लगता है। तो बस उसे अच्छे से मिक्स करिए। और ऑलरेडी ग्रीस करके मैंने ये कटोरा सा रखा हुआ है, जिस पैन में भी आपको इसको बनाना है उसके अंदर इसको पलट दीजिए। स्टीमर भी ऑलरेडी मैंने चढ़ाया हुआ था ताकि इसको डालते ही मैं स्टीमर पे डाल दूँ। तो ये सारी तैयारी करके रखो और फटाफट जैसे ये फूलने लगे शिफ्ट करो इसको और स्टीमर में डाल दो। एक और मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताती हूँ, अगर आपके पास टार्टरी नहीं है जो मैंने पहले आपको दिखाया, वैसे तो बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप सारा प्रोसेस वैसे ही कीजिएगा जो हमने पहले टार्टरी डाली, टार्टरी मत डालिएगा, बस खाली चीनी पानी का घोल बना लीजिएगा। लास्ट में जब हम सोडा डालते हैं ना, तो सोडा के साथ, मतलब हमने आधा चम्मच सोडा डाला है, सोडा के साथ में आप 1 चम्मच विनेगर का भी ऐड करें, दोनों को साथ में ऐड करें। तो विनेगर और सोडा भी ऐसा रिएक्शन करता है जिससे आपका बेसन फूलना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी आपने देखा। तो अगर वो नहीं है तो ये करके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं दोनों के ही और बहुत अच्छा बनता है। इनो में थोड़ी स्मेल मुझे आती है, अगर आप इनो से बनाना चाहते हैं तब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनो लास्ट में डाल दो और चढ़ा दो। तो ये एक दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी चॉपिंग मैंने कर ली है, ग्रीन चिलीज बीच में से कट करके रख ली हैं, महीन महीन मैंने यहाँ पे धनिया चॉप कर ली है, और चाहिए आपको कुछ करी पत्ता तड़का बनाने के लिए। तड़के के लिए हम किसी कढ़ाई या पैन में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये ऑयल हमें चाहिए सिर्फ ये सरसों को चटकाने के लिए। राई जाती है इसमें छोटी वाली, तो वही डालिएगा आप। फिर हम डालेंगे इसके अंदर हींग, करी पत्ता, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें पानी, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते जाएंगे जो हमने फाइनली चॉप करके रखा था उनमें से ही आप ऐड कीजिएगा, और जो मिर्ची हमने रखी थी वो ऐड करेंगे। ये मिर्ची तड़के में नहीं जाती है, ये मिर्ची पानी के अंदर जाएगी, पानी के अंदर आपको डालना है। वो रसीली स्वीट स्वीट जो मिर्चियाँ होती है ना, कम तीखी वाली, वो बहुत अच्छा फ्लेवर लाती हैं। और इतनी सारी मिर्ची में से एक मिर्ची नहीं बची थी, सब खत्म हो गई, इवन कम लग रही थी हमें। और इवन सिद्धार्थ ने फर्स्ट टाइम मिर्ची खाया है, 2-3 खा गया। एक तो ये तीखी नहीं थी
और दूसरा स्वीटनेस इसमें ऐड हो ही जाती है शुगर की, तो इसलिए ये बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, पानी के अंदर मैंने शुगर भी ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून। तो इन टोटल इस रेसिपी के अंदर आपको 5.5 चम्मच चीनी डालना पड़ेगा अगर आप 1.5 कप बेसन का ढोकला बना रहे हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर डबल हो जाएगी क्वांटिटी। अभी ये कितना फ्लफ़ी बना है, जब मैं इसको कट करूँगी तब आपको देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, सिद्धार्थ को ना ये लग रहा था केक के जैसा, तो उसने बोला है कि एक बार मुझे कट करने दो, तो मैंने उसको कट करने दिया थोड़ा सा, लेकिन उसने इसको दबा दिया। मतलब होता है ना, फ्लफ़ी चीज़ है तो आप हल्के हाथ से करते हो, उसने इसको अच्छे से दबा के कट करने की कोशिश की, बट थैंकफुली ये ख़राब नहीं हुआ। और बस इसको ऐसे पीसेस में कट कर दो। छोटा बर्तन में लेती और चौड़ा ना, तो ये एकदम वैसे पीसेस निकलते हो। अगर चौकोर लेंगे आप तो एकदम परफेक्ट, हर इसका जो स्लाइस है ना, हर एकदम परफेक्ट निकलने वाला है, क्योंकि ये गोल था तो साइड के जो कॉर्नर के होते हैं ना वो अलग शेप में आ गए। और यहाँ पे इसकी फ्लफ़ीनेस आप देख सकते हो, एकदम फ्लफ़ी रुई की तरह एकदम ये ढोकले बन के तैयार हुए थे। बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे, खाने में भी और देखने में भी। तो हस्बैंड का रिव्यू आपको आगे मिलेगा, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे भी उनको ढोकला पसंद है और आज के ढोकले तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और लग रही है ना ये एकदम कमाल की थाली, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। A1 बनाया भाई, वाकई वाला ले लो। एक नंबर पार्टनर, अच्छा बना एक नंबर। वो कम मीठा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो फेल कर दे, फ्लफी ज्यादा मैंने इनो डाला था क्या इसमें, तो सोडा ज़्यादा डाला था पहले से। चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया बन गया ना। एक्सपेक्टेड वो डाल करके ना स्मेल सी आती है मुझे, तीनों से ना। और सोडा लेकिन नुकसान तो नहीं करता है। और फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही प्यार से इन्जॉय किया। और इसके बाद आज संडे था, फादर्स डे था, तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। इसके बाद हमने वीडियो बनाई और कुछ अलग अंदाज में हमने अपना फादर्स डे मनाया। तो काफ़ी कुछ शूट किया इस दिन, बट वो मैं कल या परसों आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा, रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, इनको ट्राई कीजिएगा, रिव्यू शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।